Hey guys, welcome to Bollydose, जहां आजकल हम कर रहे हैं सेलिब्रेट बीटाउन के 100वें साल कुछ टोटली ऑसम बॉलीवुड रीटेक्स के साथ। आज का बॉलीडोज है आप में से सारे लवी डबी लोगों के लिए अ स्पेशल ट्रीट। हियर्स प्रेजेंटिंग क्लासिक लव स्टोरीज तड़का मार के। फर्स्ट अप, गुरुदत्त की प्यासा, एक कवि और एक कोर्टेजियन की कहानी जो है इंटेंस रोमांटिक डायलॉग से भरी। इस फिल्म ने किया एस्टैब्लिश फिल्म मेकिंग का गोल्डन रूल, लव से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फॉरबिडन लव। और फॉरबिडन लव की सबसे एपिक फिल्म मुगल-ए-आजम। जब एक मुगल प्रिंस करता है प्यार एक कोर्ट डांसर से तो उठना है तूफान। रिबेलियस दिलीप कुमार सलीम और कम सिन हसीना मधुबाला उर्फ अनारकली के बीच का ये फियर्स रोमांस है एन ऑल टाइम क्लासिक। एंड अनदर अनफॉरगेटेबल रोमांटिक फ्लिक 1965 की गाइड। देव साहब और वहीदा रहमान की ये मैच्योर और अनयूजुअल लव स्टोरी है अ मेगा मास्टरपीस। हमारी नेक्स्ट ऑल टाइम बेस्ट रोमांटिक फिल्म कश्मीर की गली, जिसमें क्यूपिड के तीर से हुए घायल दो सुपर क्यूट लवर्स। इस फिल्म को हिट बनाया द क्लासिक लव स्टोरी फॉर्मूला, अमीर लड़का गरीब लड़की। एक और रोमांटिक क्लासिक जो है इस फॉर्मूला पे आधारित, राज कपूर की आवारा, एक चोर उचक्का जो लूटता है एक रिच हसीना को और फिर दोनों करते हैं रियलाइज कि वो एक्चुअली है बचपन के भूले बिसरे दोस्त। और अब करते हैं बात अमर प्रेम की अमर लव स्टोरी के बारे में। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की ये लव स्टोरी है ऑल अबाउट ब्रेकिंग सोशल नॉर्म्स। 1973 की बॉबी थी अ लैंडमार्क फिल्म फॉर ऑल द नौजवान जनता फॉलिंग इन लव। टीनेज रोमांस को एक्सप्लोर करते हुए इस फिल्म ने बनाई न्यूज विद सून टू बी सुपरस्टार डेब्यूटेंट्स ऋषि कपूर एंड डिंपल कपाड़िया। और अब हो जाइए तैयार फॉर एक टोटल टियर जर्कर लव स्टोरी। एक दूजे के लिए थी ऑल अबाउट इंटरकास्ट रोमांस, एक तमिल लड़का एक नॉर्थ इंडियन लड़की, फैमिलीज की तकरार, प्यार का इजहार और फिर उस प्यार की अग्नि परीक्षा। और फिर थी यशराज लव स्टोरी कभी कभी, लवर्स की दो पीढ़ियां जो मजबूरी की वजह से भुलाते हैं अपना ओरिजिनल प्यार और करते हैं किसी और से शादी। अब शान से कहो मैंने प्यार किया, सल्लू और भाग्यश्री का ये पहला नशीला प्यार। आय हाय, वायलेंस और गुंडागर्दी पे बनी ढेर सारी फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ के इस फिल्म ने बनाई जगह फॉर होलसम रोमांटिक कहानियां। एंड ऑफ कोर्स हु कैन लीव आउट कयामत से कयामत तक, आमिर और जूही की केमिस्ट्री, वो लवी डवी रोमांस, ग्रेट गाने और एक दर्दनाक क्लाइमैक्स। दिल और साजन जैसी मेमोरेबल रोमांसेस के बाद इट वॉज टाइम फॉर बॉलीवुड फैंस टू फॉल इन लव विद हम आपके हैं कौन। सल्लू का न्यूअर हॉटर स्लाइटली मोर बीफ्ड अप अवतार, माधुरी की फॉरएवर गॉर्जियस ब्यूटी और कुछ अमेजिंग मोमेंट्स। एंड देन बस चार अल्फाबेट्स ने किया स्पेल आउट इटर्नल मॉडर्न एज लव, DDLJ। उफ, शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री, फैबुलस लोकेशंस पर और भी फैंटाबुलस गाने, रिश्तों की गहराइयों को टच करते हुए सीन्स और लव बर्ड्स को इंस्पायर करने वाला नेवर से डाई प्यार। क्लासिक लव स्टोरीज की लिस्ट में शामिल है दिल तो पागल है भी, द अल्टीमेट न्यू एज लव ट्रायंगल, शाहरुख और मैट्स थे द परफेक्ट लवर्स। And last but not the least है जब वी मेट, साशा और बेबो की ये सुपरहिट फिल्म थी बेस्ड ऑन अ क्यूट लव टेल। गीत का बचपना उनके नॉन स्टॉप चिटर चैटर को परफेक्टली बैलेंस किया शाहिद के क्वाइट शांत कैरेक्टर ने। इतनी सारी क्लासिक लव स्टोरीज को रीलिव करके इंस्पायर हो रहे हो ना, तो टीवी के सामने क्या बैठे हो, गो गेट रोमांटिक पीपल। बीट डाउन का 100 ईयर सेलिब्रेशन होगा कंटिन्यू कुछ और बॉलीवुड रीटेक्स के साथ। सी यू सून।
Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/zoomtv.